हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोगा वर्धा एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज में आज ये लेक्चर नंबर 41 है, जिसमें आज हम बात करने वाले स्प्लाइस एरे मेथड की। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से स्प्लाइस एरे मेथड की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट में रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यूज को और रिमूव कर सकते हैं वैल्यूज को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें स्प्लाइस मेथड करता क्या। देखिए, द स्प्लाइस मेथड कैन बी यूज टू ऐड न्यू आइटम टू एन एरे। स्प्लाइस मेथड का हम यूज कर सकते हैं एलिमेंट में, एरे में कोई भी नया एलिमेंट ऐड करने के लिए। बट ऐड करने के लिए तो हम पुश मेथड भी यूज करते हैं लास्ट में ऐड करने के लिए, अनशिफ्ट मेथड यूज करते हैं स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए। तो स्प्लाइस मेथड से क्या करते हैं, स्प्लाइस मेथड से आप एरे में स्टार्टिंग में करना चाहें, एंड में करना चाहें, बिटवीन में करना चाहें, जिस भी इंडेक्स वैल्यू पर आप जो भी वैल्यू आप अपडेट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, ये काम आप स्प्लाइस मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक एरे बनाया फ्रूट्स नाम का और हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4 वैल्यू पास किया और इनका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, 1, 2, 3। तो जो स्प्लाइस मेथड है वो तीन पैरामीटर लेता है। पहला कि आपको कितने एलिमेंट आपको ऐड करने हैं, आपको कितने रिमूव करने हैं और कौन कौन से आपकी वैल्यू है। ठीक है, तो हमने बोला कि हमें दो एलिमेंट ऐड करने हैं और इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि मतलब दो कि हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, इंडेक्स नंबर 2 से। तो आपके 0, 1, 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और कितने एलिमेंट ऐड करने हैं, दो एलिमेंट ऐड करने हैं। तो 0, 1, 2 तो यहाँ पे हमारा लैमा आ जाएगा और यहाँ पर हमारा की भी आ जाएगा। इस तरीके से हम इनको रिमूव करके नए एलिमेंट्स को ऐड भी करा सकते हैं और स्प्लाइस मेथड की हेल्प से आप रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट को। बस अब अगर आप क्या करते हैं कि मैं चाहता हूं कि स्प्लाइस मेथड जो पहला पैरामीटर होता है कि आपको कौन से इंडेक्स नंबर पर डेटा ऐड करना है, हमने बोला 0 पे ऐड करना है। फिर ये सेकंड पैरामीटर पूछता है कि आपको कितनी वैल्यू ऐड करनी है, हमने बोली 1 वैल्यू ऐड करनी है। और हमने कोमा के बाद में तीसरा पैरामीटर में जो हम वैल्यू देते हैं हमने दिया ही नहीं। जब हमने वैल्यू दिया ही नहीं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो हमारा पहला जो बनाना है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो अब करते हैं इसका प्रैक्टिकल और अच्छे समझते हैं किस तरीके से यूज करते हैं इसको। तो चलते हैं नोट पर प्लस प्लस में। तो ये हम कोड यहाँ से हटा देते हैं अपना। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक एरे क्रिएट किया हुआ है। अब मैं इस एरे में यहाँ पर मैं यूज करूंगा अपना स्प्लाइस मेथड। तो मैंने लिखा 1.splice। तो पहला जो पैरामीटर है वो होगा आपका इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर आएगा। ठीक है, कि आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। मैं चाहता हूँ कि मैं इनके लास्ट में ऐड करूँ 0, 1, 2, मतलब 2 से ऐड करूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मुझे एलिमेंट इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्टिंग करो। सेकंड पैरामीटर पूछता है कि आपको कितने एलिमेंट ऐड करने हैं, मैंने बोला 2 एलिमेंट ऐड करने हैं। तीसरा पैरामीटर है एलिमेंट के एलिमेंट को ऐड करो। तो मैंने यहाँ पर दिया बनाना। ठीक है, और मैंने यहाँ पर दिया बनाने के बाद कीवी इस तरीके से। और अब मैं इस एरे को डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से प्रिंट कराऊंगा डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पर मैं 1 एरे पास कर दिया, सेमी कोलन, सेव किया, डॉक्यूमेंट में गया। अब मैं इसको क्या रिमूव। तो यहाँ पे आप देखो हमारा एप्पल मैंगो बनाना था, लेकिन हमारा यहाँ पर ये देखिए बनाना तो मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। ओह, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया कि अब मैंने बनाना पहले ही पास किया हुआ है। रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए तो एप्पल है, मैंगो है, लेकिन यहाँ पर बनाना रिमूव हो चुका है और बनाना के रिप्लेस में क्या आ चुका है, ऑरेंज आ चुका है। और ऑरेंज के बाद क्या चुका, कीवी आ चुके हैं। तो बेसिकली आपने देखा किस तरीके से मैंने यहाँ पर वैल्यू को ऐड करा दिया। तो स्प्लाइस मेथड में सबसे पहला जो पैरामीटर है वो आपको पूछता है कि आपको कौन से इंडेक्स नंबर पर डेटा ऐड करना है, आपको वो डिफाइन करना है। फिर आपको कितने डेटा ऐड करना है वो डिफाइन करना है। फिर आपको इन्हें जो भी, अब मैंने 2 एलिमेंट ऐड करने, दोनों एलिमेंट को आप पास करोगे इस तरीके से। तो ये तो बात हुई लास्ट में ऐड करने की। अगर मैं चाहता हूँ कि 0, 1 यहाँ पर मैंगो को रिप्लेस करके मेरा ये डेटा ऐड कर दे। ठीक है, मैंगो को रिप्लेस करना चाहता हूँ सिर्फ। तो मैं 0, 1, तो मैंने कहा क्या कि मैं 1 पर ऐड करना चाहता हूँ इंडेक्स नंबर पे। कितने एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, मैंने बोला 1 ही करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ से एक एक एलिमेंट अपना ऐड कर देता हूँ सेव करके। तो अब क्या होगा, पहला पैरामीटर हमारा क्या होता है कि आपका इंडेक्स नंबर क्या, कि आप किस इंडेक्स नंबर पर डेटा ऐड करना चाहते हैं। मैंने दिया 1, तो 1 इंडेक्स नंबर पर कौन सा डेटा है हमारा, मैंगो, क्योंकि इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्टिंग होती है, 0, 1। और इसने पूछा कि आपको, ठीक है आपकी स्टार्टिंग जो नंबर है वो आप इंडेक्स नंबर 1 पे डेटा ऐड करने की शुरुआत कर रहे हैं, और आप कितने एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे। मैंने बोला 1 ही एलिमेंट ऐड करना है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ मैंगो को रिप्लेस करना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑरेंज यहाँ पे पास कर दिया।
मैंने सेव किया, अब मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब आप देखिएगा यहाँ पर, रिफ्रेश किया, अब देखो यहाँ पर एप्पल आ गया। एप्पल के बाद हमारे कोड में क्या था, मैंगो था, बट हमने स्लाइस मटर की लैब से ऑरेंज सेलेक्ट कर दिया और फिर बनाना हमारा एरर में से आ गया। तो आपने देखा मैंने लास्ट बीच में किस तरीके से मैंने डेटा को रिप्लेस कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ पूरे के पूरे एरे की वैल्यू को रिप्लेस कर दूँ तो मैं क्या यूज करूंगा कि एरे की जो वैल्यूज होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पर पास करूंगा कि मुझे 0 इंडेक्स नंबर पर डेटा ऐड करना है। अब मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब देखो एरे में तीन ही वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे तीन वैल्यू पास करके मुझे तीन वैल्यू ऐड करनी है। तो ठीक है, अपनी वैल्यू आप दे दीजिए। मैंने दिया यहाँ पर वन, मैंने दिया यहाँ पर टू, मैंने दिया यहाँ पर थ्री, इस तरीके से सेव किया। अब इसका मैं पहला पैरामीटर क्या होता है कि आपको किस इंडेक्स नंबर में डेटा ऐड करना है। मैंने बोला 0 से ऐड करना है, ठीक है 0 से ऐड करना। 0 पे क्या एप्पल है। इसने पूछा दूसरे पैरामीटर में कि आप कितनी वैल्यू ऐड करना चाहते हो। मैंने बोला तीन वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। अब 0 से 0 1 2, ठीक है तीन वैल्यू है मेरी, तो ऑटोमेटिक मैंने तीन ही पास कर दी यहाँ पर, और तीन जो मेरी पहले से प्रेजेंट करती है एरे में वो चेंज होके रिप्लेस हो जाएगी। सेव करता हूँ, ये देखिए 1 2 3। तो आप इस तरह से पूरे एरे की वैल्यू को भी रिप्लेस करा सकते हैं, आप बिटवीन में से डेटा रिप्लेस करा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि एप्पल और मैंगो को हटाकर मैं 1 और 2 ऐड कर दूँ। अब देखो अब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 से। तो 0 पास कर, कितने वैल्यू पास करनी है, दो वैल्यू पास करनी है कि इसको हटाना है इसको हटाना है, और इसके बेस पे क्या रखना है 1 और 2। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं करता हूँ सेव। तो अब क्या आएगा हमारा आउटपुट 1 2 बनाना, रिफ्रेश करते हैं 1 2 बनाना, ये देखिए। तो मैं जहाँ भी चाहूँ एरे में जितनी भी वैल्यू चाहूँ अपने हिसाब से मैं चेंज करा सकता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये एरे की वैल्यू भी इसमें ही रहे और मेरी नई वैल्यू यहाँ पर लास्ट में ऐड हो जाए, ट्राई करते हैं। तो 0 1 2, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ मुझे 3 से काम करना है और दो वैल्यू पास करनी है। अब 3 तो एरे में है भी नहीं। अब सेव करते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश, ये देखें। तो हमने प्रैक्टिकल हमारा सक्सेसफुल रहा, इसका मतलब ये है कि हम एरे के लास्ट में भी डेटा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 0 है, 1 है, 2 है, और 2 के बाद तो ऑटोमेटिक 3 आता है। अब जब ऑटोमेटिक हमने पास ही कर दिया 3, और पहला पैरामीटर होता क्या है, ये पूछता है कि आपको किस इंडेक्स नंबर में डेटा ऐड करना है, हमने बोला 3 पे। तो इसने बोला अब मैं तो 1 हूँ, मैं ये 2 है, ये मैं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो ऑटोमेटिक बनाने के बाद इसने ऐड कर दिया, और कितनी वैल्यू ऐड करनी है, 2। तो हमने 2 वैल्यू डिफाइन करी। तो ऑटोमेटिक आपने देखा मैं किस तरीके से स्प्लाइस मेथड की हेल्प से मैं डेटा को रिमूव भी कर सकता हूँ, रिप्लेस भी करवा सकता हूँ, और नया डेटा मैं ऐड भी करा सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम सीखते हैं कि इसमें से मैं डेटा रिमूव कैसे करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी देना नहीं चाहता। तो हम एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ मैंगो और बनाना को रिमूव कर दूँ। तो मैंगो का इंडेक्स नंबर क्या है, इसका 0 है, इसका 1। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1, और 1 के बाद मुझे दो वैल्यू हटानी है। तो मैंगो भी हटाना है और बनाना भी हटाना है, तो मुझे दो वैल्यू ऐड करनी है, और मैंने बाद में वैल्यू देता ही नहीं है, मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा ही नहीं। सेव कर देता हूँ, अब करता हूँ रिफ्रेश, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए सिर्फ एप्पल, मतलब बाकी की जो डेटा है मेरा वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप डेटा दोगे नहीं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये हट ही जाएगा, यहाँ पे कुछ गया ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ गया ही नहीं, क्या एरे के अंदर यहाँ पे इंडेक्स नंबर कुछ प्रेजेंस रखता है अनडिफाइंड वगैरह, तो चेक कर लेते हैं 1, और तो यहाँ पे काम कर लेते हैं हम एरे में इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं क्या आता है, क्योंकि आप तो 0 पे है। रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या गया अनडिफाइंड, इसका मतलब ये है कि इनका स्पेस तो है, इनका स्पेस एरे के अंदर है, ये एरे में से गए नहीं है, खत्म नहीं हुए हैं। अगर खत्म हो जाते तो 1 पे यहाँ पर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखने की, अगर हमने डेटा पास नहीं किया बट इनकी प्रेजेंस यहाँ पर है, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि मैं इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 1 हमारा ये है, और दो वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, दो वैल्यू हमारी मैंगो और एप्पल है, बट हमने वैल्यू ऐड नहीं करी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने डेटा रिमूव कर दिया, बट जब हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि हमने 1 से स्टार्ट करना है, दो वैल्यू हमें ऐड करनी है, तो स्प्लाइस मेथड तो एरे के अंदर हमारे लिए स्पेस बना के रख देगा ना कि भैया इनको तो 1 से स्टार्ट करना है, दो वैल्यू ऐड करनी है। बट हमने यहाँ पर तीसरे पैरामीटर में डेटा पास ही नहीं किया, लेकिन एरे का जो स्प्लाइस मेथड है वो तो उसका तो काम क्या है कि आपके लिए जगह बना के देना, उसने जगह बना के रख दी। अब आपने डेटा डेटा ऐड नहीं किया, तो आप इस ये समझ रहे हो कि हमने इसको रिमूव कर दिया, तो बेसिकली ये रिमूव नहीं हुआ है, लेकिन आपने वैल्यू पास नहीं करी है, तो ऐसा लगता है कि हमने एरे में से डेटा रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से मैंने स्प्लाइस मेथड की हेल्प से मैं डेटा को रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, डेटा को रिमूव कर रहे हैं, पूरा एलिमेंट रिमूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम डिलीट करते हैं ना वो वाला काम हो रहा है अभी। ठीक है,
आई का मैं और करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ जीरो कि मुझे जीरो पे डाटा ऐड करना है, कितनी वैल्यू ऐड करनी है, एक ही वैल्यू ऐड करनी है, और वैल्यू वैल्यू क्या है, एप्पल ही कर दी, ठीक है। अब क्या ये जो डेटा है वो रहेगा या हट जाएगा, चेक करते हैं। हम यहाँ पे पहले एरे की वैल्यू, पूरा एरे प्रिंट कराएंगे, सेव करेंगे। अब करते हैं रिफ्रेश, तो देखो इसका मतलब ये है कि जीरो से स्टार्टिंग करनी है, एक ही वैल्यू ऐड करनी है, तो हमने एक वैल्यू ऐड कर दी, बट पीछे डेटा हमारा ऐसे कैसा बना रहेगा क्योंकि हमने इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। आपको याद रखना कि स्प्लाइस मेथड तीन पैरामीटर लेता है, पहला कि कौन सा इंडेक्स नंबर से आपको स्टार्टिंग करनी है, कितनी वैल्यू ऐड करनी है, और आपको अपने सारी वैल्यू पास कर देनी है। अब आप अपने अकॉर्डिंग एरे के स्टार्टिंग में, बिटवीन में, लास्ट में, जहां भी चाहो वहां पर आप वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, वैल्यू का रिप्लेस भी करवा सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स इस तरीके से यूज होता है एरे का स्प्लाइस मेथड। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपको समझ में आया कि स्प्लाइस मेथड का यूज क्या है और कितने तरीके से इसको हम यूज करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज करो सब्सक्राइब, बेल आइकन करो प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।